ओके स्टूडेंट्स, जो अब अगला टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो ये है कि इक्वेशंस को स्टैंडर्ड अगर बनाना हो तो हम कैसे बनाएं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन चाहे वो एसओपी है या पीओएस है, वो स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। जब हमें पता चल जाएगा तो फिर हम उसको देखेंगे कि अगर वो नॉन स्टैंडर्ड है तो हम उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लें। तो आपके सामने टेबल में मैंने नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड एसओपी और पीओएस दोनों लिखी हैं। सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, ये नॉन स्टैंडर्ड एसओपी है और ये स्टैंडर्ड एसओपी है। तो फर्क क्या है? फर्क है वेरिएबल्स का। तो जो भी क्वेश्चन आपने देखना, उस क्वेश्चन में ओवरऑल कितने वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ए, बी और सी तीन वेरिएबल्स हैं। तो जितनी भी टर्म्स हो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, हर टर्म में सारे के सारे वेरिएबल्स आने चाहिए। अगर एक भी वेरिएबल मिसिंग होगा तो वो क्वेश्चन स्टैंडर्ड नहीं होगा। तो अब जैसे यहाँ पे तीन वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे सी मिसिंग है, यहाँ पे बी मिसिंग है, यहाँ पे बी और सी मिसिंग है, तो ये नॉन स्टैंडर्ड है। लेकिन इसको आप देखिए, तीन वेरिएबल्स है तो हर टर्म में वो सारे वेरिएबल्स मौजूद हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर तीन वेरिएबल्स हों तो टर्म्स भी तीन हो। टर्म्स जो है वो ज्यादा भी हो सकते हैं, वो कम भी हो सकते हैं, बस वेरिएबल्स सब में पूरे होने चाहिए। सेम इज द केस विद द नॉन स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड पीओएस। अब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीन वेरिएबल है लेकिन यहाँ पे सी मिसिंग है, यहाँ पे ए मिसिंग है, यहाँ पे ए और बी मिसिंग है, जबकि यहाँ पे ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी तीनों मौजूद है। कॉम्प्लीमेंट के साथ हों या बगैर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो क्लियर हो गया कि इक्वेशन स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। अब हमने देखना है कि अगर हमने कन्वर्शन करनी हो तो कैसे करेंगे। पहले हम एक एसओपी को देखते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले एक एग्जांपल, इसी एग्जांपल को मैंने उठाया और इसको मैं स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करूंगी। सबसे पहले आप इसके हिस्से तीनों अलग अलग रख लें, ए बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट सी और ए। अब जो वेरिएबल मिसिंग है उसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क लगाने। अल्फाबेट्स का बहुत ध्यान रखिएगा, अगर आपने पहले टर्म में ए बी सी रखा है तो फिर सब में ए बी सी ही रखें, वरना इक्वेशन खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे सी मिसिंग था उसकी जगह क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे बी मिसिंग था उसकी जगह क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे बी और सी मिसिंग थे तो उनकी जगह पे क्वेश्चन मार्क्स आ गए। एस ओ पी है तो एस ओ पी में जीरो कॉम्प्लीमेंट के साथ आता है, तो ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू जीरो। एक वेरिएबल मिसिंग है तो दो पॉसिबिलिटीज, या तो उसकी वैल्यू जीरो होगी या उसकी वैल्यू वन होगी। तो जो वैल्यू पहले से गिवन है वो फिक्स है, उनको नहीं छेड़ना, उनको एज इट इज नोट डाउन कर, राइट। तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आ गए, ओके। इसी तरह अब यहाँ पे बी मिसिंग है तो बी की वैल्यू या जीरो होगी या वन होगी। ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो उसकी वैल्यू जीरो, सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो उसकी वैल्यू वन। ये वैल्यूज फिक्स थी, ब्लैक में ही मैंने इनको दोबारा एज इट इज लिख दिया है। यहाँ पे दो वेरिएबल मिसिंग है तो चार पॉसिबिलिटीज, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। ए की वैल्यू, ए के ऊपर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे मैंने इसको कॉम्प्लीमेंट के साथ सॉल्व किया तो मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर देती हूँ। इक्वेशन मेरे पास सॉल्व हुई हुई और ओके। तो अब मेरे पास ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब ए की वैल्यू जीरो है, तो ये चारों वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब हमने देखना होता है कि कोई वैल्यू रिपीट ना हो रही हो, क्योंकि अगर वैल्यू रिपीट हो रही है फिर यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसको निकालेंगे, क्योंकि हमने बुलियन अलजेब्रा में पढ़ा था कि एक टर्म अगर एक से ज्यादा दफा आ रही है तो आपने उसको एक दफा ही लिखना है। तो उस हिसाब से जीरो जीरो वन दो दफा आ रहा है, जीरो डबल वन दो दफा आ रहा है। इसको कैंसिल करें या उसको कैंसिल करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों को कैंसिल ना कीजिएगा, किसी एक को कैंसिल कीजिएगा। कैंसिल करने का मकसद सिर्फ रेपिटेशन को अवॉइड करना है, प्लस माइनस नहीं हो रही है कि हम इनको आपस में कैंसिल कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई टर्म रिपीट नहीं हुए तो सिर्फ ये दो टर्म्स कैंसिल होंगे। फिर शुरू से एक सिरे से लिखना शुरू कर दें। एस ओ पी है तो ए बी सी मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी वैल्यू जीरो उस पर कॉम्प्लीमेंट, यहाँ बी पे और सी पे कॉम्प्लीमेंट आ गया, प्लस अगली टर्म ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ये आ गई, प्लस अगली टर्म ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, प्लस अगली टर्म ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, प्लस अगली टर्म ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी कॉम्प्लीमेंट, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी। अब ये जो आपके सामने इक्वेशन है, इसमें आप देखिए तीन वेरिएबल्स और हर टर्म में वो सारे वेरिएबल्स मौजूद हैं, तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड एसओपी आ गई। एग्जाम्पल नंबर टू देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू में मेरे पास ये तीन अगेन टर्म्स हैं, इनको मैं सीक्वेंस से लिख लेती हूँ, बी फिर ए सी कॉम्प्लीमेंट और फिर ए बी कॉम्प्लीमेंट डी। अब इसमें चार वेरिएबल्स हैं ए बी सी डी, तो यहाँ पे ए मिसिंग है, सी और डी मिसिंग है, उनकी जगह क्वेश्चन मार्क आ गए। यहाँ पे ए है, बी मिसिंग है क्वेश्चन मार्क, सी कॉम्प्लीमेंट, डी मिसिंग है क्वेश्चन मार्क, ए बी कॉम्प्लीमेंट, सी मिसिंग है तो क्वेश्चन मार्क और फिर आ गया डी। ओके, बी की वैल्यू फिक्स है तो ज़ाहिर है वो वन होगी, तो वो तो थ्रू आउट वन है। एक दो तीन, तीन वेरिएबल्स मिसिंग है तो टू की पावर थ्री, एट कॉम्बिनेशन, यानी जीरो से लेकर सेवन। तो अब जहाँ जहाँ वैल्यूज मिसिंग थी मैंने वहीं पे लिखा, ये नहीं कि मैं ए बी सी तीन कॉम्बिनेशन इधर इकट्ठे आठ के बना के बी को कोने पे फेंक देती तो वो गलत हो जाएगा। तो बी को मैंने उसकी जगह पे लिखा, बाकी सारे कॉम्बिनेशन जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो, जीरो डबल वन, वन डबल जीरो, वन जीरो वन एंड वन वन वन, तो वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन आ गए। अब यहाँ पे दो वेरिएबल मिसिंग है तो चार पॉसिबिलिटी, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन।
ए की वैल्यू उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो वो थ्रू आउट वन आ जाएगी, सी की वैल्यू उसका कॉम्प्लीमेंट है तो वो थ्रू आउट जीरो आ जाएगी। यहाँ पे एक वेरिएबल मिसिंग, तो दो पॉसिबिलिटीज, या उसकी वैल्यू जीरो होगी या उसकी वैल्यू वन होगी। ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू जीरो और डी की वैल्यू वन। फिर जो टर्म्स रिपीट हो रही हैं उनको कैंसिल आउट करना, तो एक दो तीन, ये तीन टर्म्स हमारे पास रिपीट हो रही थी, इनको मैंने कैंसिल कर दिया। फिर एक सीक्वेंस लिखना शुरू किया, ए कॉम्प्लीमेंट, बी, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह इसको कैसे लिखेंगे, ये पहले टर्म आगे, फिर ए कॉम्प्लीमेंट, बी, सी कॉम्प्लीमेंट, डी दूसरी टर्म आगे, फिर इसी तरह लेट्स सपोज ये टर्म, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए बी सी डी। इस टर्म को कैसे लिखेंगे, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट। इस टर्म को कैसे लिखेंगे, ए बी कॉम्प्लीमेंट, सी डी, और इन सब टर्म्स को आपस में प्लस कर देंगे, राइट। इस तरह से आप एक नॉन स्टैंडर्ड एसओपी को स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट करते हैं। अब हम प्रैक्टिस एग्जांपल करते हैं कि अगर हम एक नॉन स्टैंडर्ड पीओएस आ जाए और उसको हमने स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। जो एग्जांपल ऊपर मैंने समझाने के लिए दी थी उसी एग्जांपल को यहाँ पे लिखते हैं। याद रखिएगा, जो ऊपर मैंने नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड एग्जांपल्स दी थी उनका आपस में एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं कि आप नॉन स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। वो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो ये पहले टर्म आ गई, ये दूसरी टर्म आ गई और ये तीसरी टर्म आ गई। ए बी और सी तीन वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ पे सी मिसिंग है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे ए मिसिंग है, यहाँ पे बी और सी मिसिंग है। ओके, एक वेरिएबल मिसिंग तो दो पॉसिबिलिटीज, या जीरो या वन। एक वेरिएबल मिसिंग तो दो पॉसिबिलिटीज, या जीरो या वन। दो वेरिएबल्स मिसिंग तो चार पॉसिबिलिटीज, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। यहाँ पे पीएस में जिसपे कॉम्प्लीमेंट होता है उसकी वैल्यू वन होती है, तो उस हिसाब से ए और बी दोनों की वैल्यू फिक्स होगी जीरो पे। यहाँ ए बी बी पे कॉम्प्लीमेंट है तो बी की वैल्यू वन और सी की वैल्यू जीरो, यहाँ पे भी बी वन सी जीरो। यहाँ पे सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब सी की वैल्यू वन है, वो थ्रू आउट वन आ गई। सिर्फ एक टर्म रिपीट हो रही थी, जीरो जीरो वन, ये तो उसको मैंने कैंसिल कर दिया। इसको कैंसिल करें, उसको कैंसिल करें, कोई मसला नहीं है। फिर टर्म्स को लिखना शुरू करें, सबसे पहले टर्म पी वस प्लस होंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों जीरो हैं, किसी पे कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। फिर साथ मल्टीप्लाई होगी दूसरी टर्म, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, तीसरी टर्म ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, चौथी टर्म ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, और ये सारी टर्म्स आपस में होंगी मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल नंबर टू, इसमें भी हमारे पास तीन है, बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, सी प्लस डी, और ये रहा बी। कितने वेरिएबल्स हैं, तीन, बी सी और डी। ए ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है, तो ए बी सी का टेस्ट नहीं हो रहा कि सारी की सारी ए बी सी होनी चाहिए, कुछ मिसिंग ना। आपने सिर्फ देखना जितने भी वेरिएबल्स हैं, डब्ल्यू एक्स वाई पी क्यू आर कुछ भी हो सकता है, तो आपने बस देखना है कि वेरिएबल्स कितने हैं, वही वेरिएबल्स पूरे करने हैं, सारी ए बी सी बीच में ऐड नहीं करनी। उस हिसाब से अब यहाँ पे B प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे D मिसिंग है, यहाँ पे B मिसिंग है, यहाँ पे C और D दोनों मिसिंग है। एक वेरिएबल मिसिंग हो तो दो पॉसिबिलिटीज, या वो जीरो होगा या वो वन होगा। B की वैल्यू जीरो और C की ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो C की वैल्यू वन। यहाँ पे एक वेरिएबल मिसिंग है तो या जीरो या वन, C और D दोनों बगैर कॉम्प्लीमेंट के हैं तो दोनों जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे B की वैल्यू जीरो, वो थ्रू आउट जीरो रहेगी। दो वेरिएबल मिसिंग तो चार पॉसिबिलिटीज, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। जो टर्म्स रिपीट हो रही थी जैसे जीरो वन जीरो, जीरो डबल वन, जीरो जीरो जीरो, उनको हमने कैंसिल कर दिया। बाकी टर्म्स को लिखना शुरू करेंगे, सबसे पहले टर्म बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी, सेकेंड टर्म बी प्लस सी प्लस डी, थर्ड टर्म बी प्लस सी प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट, फोर्थ टर्म बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी, और लास्ट टर्म बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, और ये सारे टर्म्स हो गए आपस में मल्टीप्लाई। तो इस तरह से आप कन्वर्ट करते हैं नॉन स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड में, चाहे वो एसओपी हो या पीओएस हो। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे के मैप्स को अप टू फोर वेरिएबल्स फॉर बोथ एसओपी एंड पीओएस।